हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे किंग कोबरा मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब किंग कोबरा मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक जेनेटिक लेबोरेटरी दिखाई गई है, जहां डॉक्टर इरविन अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते थे। लैब में डॉक्टर इरविन की बेटी कैथरीन भी अपने डैड के असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। उनके अलावा लैब में तुसी नाम की औरत और मैक नाम का एक नया बंदा भी था। डॉक्टर इरविन जानवरों के एग्रेसिव बिहेव पर काम कर रहे थे और इस प्रयोग में वो सफल भी होने वाले थे। थोड़ी और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर इरविन किसी भी एग्रेसिव जानवर को शांत कर पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट का काम बहुत ही स्लो चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर इरविन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लैब में कई जानवर थे जिससे उन पर टेस्ट करके उनका एग्रेसिव लेवल चेक किया जा सके। यहाँ डॉक्टर इरविन न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ने वाले MOA एंजाइम लेवल को कम या ज्यादा करके जानवरों के एग्रेसिव और हाइपर एक्टिव बिहेवियर को इजिली कंट्रोल कर सकते थे। दैट मीन्स वो सफलता के बहुत करीब थे। अब डॉक्टर इरविन की लैब में कुछ दिन पहले ही आया मैक नाम का बंदा थोड़ा सनकी और ओवर कॉन्फिडेंट था। आज उसने ड्रग्स भी ली थी और मैक डॉक्टर इरविन के एक्सपेरिमेंट की स्लो प्रोसेस से परेशान था। मैक का मानना था कि जब 90% तक एक्सपेरिमेंट सक्सेस है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब डॉक्टर इरविन लैब के एक दूसरे रूम में थे। उसी वक्त मैक उस रूम का दरवाजा लॉक करके उसका कोड बदल देता है। यहाँ मैक लैब का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता था और उसने तुसी को भी इसमें शामिल कर लिया था। कैथरीन मैक का इरादा समझ गई थी तो वो मैक से कहती है कि तुम कोई जल्दबाजी मत करना, मेरे डैड इस पर पिछले 3 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में यह प्रयोग सक्सेस होगा। पर मैक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो कैथरीन से कहता है कि रिस्क लेकर ही हम सक्सेस हो पाएंगे। अगर मैं डॉक्टर इरविन की जगह लैब में होता तो सिर्फ 3 महीनों में ही यह सब काम निपटा दिया होता। अब यहाँ कैथरीन की वार्निंग को नजरअंदाज करके मैक और तुसी अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। मैक डॉक्टर इरविन द्वारा कंप्लीट मेजर किए गए केमिकल सेरोटोनियम को 25 मिलीग्राम बढ़ा देता है और उसमें 20 मिलीग्राम एमेटेडियम मिला देता है। वही 50 मिलीग्राम इथिनॉल एस्ट्रोडियल भी उसमें मिला देता है। अब ऐसे ही और केमिकल मेजर किए बगैर मैक और तुसी ऐड कर देते हैं, जिसकी असर से केमिकल वाला बीकन टूट जाता है और लैब में भी आग फैलने लगती है। दूसरी ओर लैब से आ रही आवाज सुनकर डॉक्टर इरविन दरवाजे के पास आते, पर दरवाजा लॉक था। वेल यहाँ लैब में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे डॉक्टर इरविन जिस रूम में थे वो दरवाजा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। धमाके से डॉक्टर इरविन भी घायल हो चुके थे। वही बाहर लैब में चारों ओर आग फैलने लगी थी। डॉक्टर इरविन बाहर आकर फायर एक्सटिंगजर से लैब की आग बुझाने की कोशिश करते, पर अब आग बेकाबू हो चुकी थी। डॉक्टर इरविन को वहां तुसी और मैक की डेड बॉडी भी मिलती है। अपने पागलपन की वजह से दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही कैथरीन को दिखाया गया है, वो भी घायल हो चुकी थी। वेल इस जेनेटिक लैब में कुछ डेडली एनिमल्स भी थे और यहां मैक की बेवकूफी की वजह से वो केमिकल एक टॉक्सिक केमिकल बन गया था, जिससे एक म्यूटेशन हो गया था। उस केमिकल के संपर्क में अफ्रीकन किंग कोबरा और ईस्टर्न डेटल स्नेक के जीन से बनाया गया एक सांप आ गया था और यह दोनों सांप बहुत ही एग्रेसिव और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक थे। म्यूटेशन की असर से वो सांप बड़ा हो गया था और वो कैथरीन की ओर आगे बढ़ रहा था। कैथरीन भी उस खतरनाक सांप की ओर देखती है। केमिकल की टॉक्सिक असर से वो सांप करीब 30 फीट जितना लंबा हो गया था। वो सांप कैथरीन पर हमला करके वहां से चला जाता है। वही डॉक्टर इरविन भी कैथरीन की चीख सुनकर उसके पास आते, पर तब तक सांप का जहर कैथरीन के शरीर में फैल चुका था और वो मर चुकी थी। पर उस हादसे से किसी तरह डॉक्टर इरविन बच जाते। वेल, यह था किंग कोबरा मूवी का इंट्रो सीन। अब उस हादसे से 2 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। वो सांप एक्सपेरिमेंटल एग्रेसिव केमिकल की असर से और भी खतरनाक हो गया था और जंगल के जानवरों का शिकार करके जी रहा था। उसी जंगल के करीब फिलिमोल नाम का एक छोटा शहर था। यहाँ बेन नाम के बंदे को दिखाया गया है, जो कि एक डॉक्टर था। बेन की गर्लफ्रेंड का नाम एना था, जो कि फिलिमोल शहर में एक पुलिस ऑफिसर थी। पर हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि बेन फिलिमोल शहर छोड़कर न्यूयॉर्क जाकर अपनी लाइफ वहां पर सेट करना चाहता था।
पर ऐना इसी शहर में रहना चाहती थी और इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था। अब बहन की क्लिनिक में एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है, उसका बच्चा बेहोश था। वो औरत बहन से कहती है कि जंगल के करीब हमारा घर है, मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था और इसी हाल में एक पेड़ के करीब मुझे मिला। बहन उस औरत से कहता है कि आपके बच्चे को शौक लगा है, शायद जंगल में किसी चीज या जानवर को देखकर वो डर गया होगा। दूसरी ओर जंगल में एक बूढ़ा आदमी अपने क्वार्टेज के पास लकड़ियां काट रहा था। वो अपने पालतू डॉग को आवाज देकर अपने पास बुलाता है, पर डॉग वहां पर नहीं था। तभी हमें दिखाया गया है कि वो सांप धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की ओर आगे बढ़ रहा था और इस बात से वो बूढ़ा आदमी अनजान था। वेल, यहाँ वो सांप उस बूढ़े आदमी पर भी हमला करता है। अब नेक्स्ट सीन में ऐना और बिल को दिखाया गया है। बिल वीकेंड पर फिल्म और सहेल छोड़कर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला था और ऐना यह रिश्ता खत्म करना नहीं चाहती थी, पर बहन उसे कहता है कि मेरा न्यूयॉर्क जाना जरूरी है, यहाँ मैं इतना सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, न्यूयॉर्क में मेरे लिए ज्यादा स्कोप है। बहन ऐना से कहता है कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, पर ऐना कहती है कि मेरे डैड यहाँ पर शेरिफ थे और उनकी भी इच्छा यही थी कि मैं फिल्म और शहर के लोगों की सेवा करूँ, तो चाहते हुए भी मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क नहीं आ सकती। ऐना और बहन बात कर रहे थे, तभी ऐना को न्यूज मिलती है कि जंगल में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, तो ऐना बिल को अपने साथ लेकर उस लोकेशन पर आती है। यहाँ शेरिफ एडम ऐना से कहते हैं कि इस बूढ़े आदमी का नाम सैम था और वो कॉटेज में अकेला रहता था, किसी ने सैम पर हमला किया था और उससे बचने के लिए सैम भागता हुआ कैबिन में आ गया, पर जिसने भी सैम पर हमला किया था वो ताकतवर था, उसने दरवाजा तोड़ कर सैम पर हमला करके उसे मार डाला। यहाँ एडम अपने ऑफिसर मैक्स से कहते हैं कि सैम के पास एक भी था, तो तुम आसपास एक बार देख लो। अब मैक्स उस डॉग को जंगल में ढूंढने जाता है। वही एडम, बेन और ऐना सैम की डेड बॉडी के पास आते हैं। सैम के चेहरे पर एक अजीब सा निशान था। बेन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सैम का यह हाल किसने किया होगा। अब ध्यान से देखने पर बेन को सैम के पाव में एक दांत घुसा हुआ मिलता है, वो दांत बड़ा और नुकीला था। उसी वक्त मैक्स भी वहां पर आ जाता है। उसे जंगल में सैम का डॉग तो नहीं मिला था, पर उसे सांप की एक बहुत बड़ी कैचुली मिली थी जो कि करीब 30 फीट जितनी लंबी थी। सांप की इतनी बड़ी कैचुली देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। बेन भी घर आकर इस पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि सांप के जहर की असर से हीमोटॉक्सिन की वजह से ब्लड सेल टूटने लगते हैं, जिससे स्किन पर कट और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे सांस लेने वाले पार्ट और हार्ट रुक जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। पर बेन इस बात से वरित था कि उन्हें जंगल में एक 30 फुट लंबे सांप की कैचुली मिली थी, जबकि यह डिटेल एक साधारण सांप की थी, तो सोचिए कि वो 30 फीट का सांप कितना खतरनाक होगा। अब सीन में डॉक्टर इरविन को दिखाया गया है। लैब के हादसे में उनकी आंख पर चोट लगी थी, जिससे उन्हें अपनी आंख गंवानी पड़ी। इरविन को वहां पर एक कॉल आता है जो फिलिमोर सिटी हॉस्पिटल से आया था। डॉक्टर इरविन एनिमल एक्सपर्ट थे। यह कॉल सैम की मौत के बारे में था, क्योंकि उसे भी सांप ने काटा था। सैम को सांप की एक अलग स्पेसिस ने काटा था, तो इस सांप के बारे में जानने के लिए डॉक्टर बेन ने ही डॉक्टर इरविन को फिलिमोर बुलवाया था। अब नेक्स्ट सीन में बेन, ऐना, शेरिफ एडम, बेन के डैड डॉक्टर एलन और फिलिमोरा शहर के मेयर को दिखाया गया है। सब लोग इस खतरनाक सांप को कैसे खत्म करें इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेयर शेरिफ एडम से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब मिलकर एक सांप नहीं मार सकते, पर ऐना मेयर से कहते हैं कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, हमें जंगल में एक कैचुली मिली जो कि करीब 30 फीट जितनी लंबी थी। अब वहां डॉक्टर इरविन भी आते हैं। वो बेन से कहते हैं कि उस सांप द्वारा काटे गए लोगों की डेड बॉडी देखकर ही मैं आपको और डिटेल दे पाऊंगा। डॉक्टर बेन और डॉक्टर इरविन उन डेड बॉडी को देख रहे थे। यहाँ इरविन बेन से कहते हैं कि 2 साल पहले मैंने लैब पर एक्सपेरिमेंट के लिए 2 जहरीले सांप से एक अलग ही स्पेसिस बनाई थी, पर लैब में ब्लास्ट होने के बाद वो सांप वहां से बच निकला। यहाँ डॉक्टर इरविन का भी यही मानना था कि यह वही सांप था जिसने फिलिमोरा शहर के लोगों की जान ली थी। इरविन बेन से कहते हैं कि अब इस खतरनाक सांप को मारना ही होगा और निक नाम के एक स्नेक एक्सपर्ट है जो हमारी मदद कर सकते, तो मैं उन्हें भी यहाँ पर बुला लेता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वो सांप बेसमेंट के रास्ते बेन के डैड एलन के घर में चला गया था। थोड़ी देर बाद एलन अपने घर आते, वो खाना खा रहे थे, तभी वो सांप वहां पर आता है। वो ठीक एलन के पीछे खड़ा था। एलन को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और सामने टेलीविजन के रिफ्लेक्शन में वो सांप उन्हें दिखाई देता है, पर एलन वहां से निकल सके उससे पहले वो सांप उन्हें काट लेता है, जिससे एलन का शरीर सुन होने लगता है। यहां सांप उन्हें दूसरी बार डस लेता है, जिससे जहर एलन की बॉडी में
फैलने लगता है। आखिर एलन भी मारे जाते। वो सांप एलन की बॉडी खींचकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर बेन अपने डैड एलन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। एना भी एलन के घर आकर देखती है तो दरवाजा टूटा हुआ था। वही एलन भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे थे। घर में सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, जिससे एना समझ गए थी कि जरूर एलन पर भी उसी सांप ने हमला किया था। एना सबको इस बारे में इन्फॉर्म करती है। यहाँ पर बेन भी था। वो आज न्यूयॉर्क जाने वाला था, पर अपने डैड के बारे में सुनकर वो रुक जाता है। वो भी अपसेट था और उसे भी पता था कि अब जंगल में उसके डैड की डेड बॉडी ही मिलेगी। अब उस सांप को खत्म करने के लिए मेयर फिलोमोरा के कुछ कातिल शिकारियों को बुलाते। उन्हें जो भी हथियार चाहिए वो लेने की परमिशन थी। बस किसी तरह उस खतरनाक सांप को खत्म करना होगा। वही दूसरी ओर स्नेक एक्सपर्ट निक भी डॉक्टर इरविन के बुलाने पर फिलोमोरा आ गए थे। यहाँ इरविन भी निक से कहते कि उन्होंने अफ्रीकन किंग कोबरा और ईस्टर्न डायमंड रेटल स्नेक के जीन मिक्स करके एक अलग सांप बनाया था। निक सबसे कहते कि अफ्रीकन किंग कोबरा सांप का एक चम्मच जहर 165 लोगों को आसानी से मार सकता है। वही रेटल स्नेक के अटैक की स्पीड बाकी सांपों से ज्यादा है। अब यहाँ एक ऐसा खतरनाक सांप है जिसमें इन दोनों सांप की पावर है, तो अगर हमने सांप को जल्द ही ढूंढकर खत्म नहीं किया तो यहाँ पर मुसीबत बढ़ जाएगी। दूसरी ओर मेयर द्वारा भेजे गए चारों शिकारी जंगल में उस खतरनाक सांप को ढूंढ रहे थे। उन्हें भी जंगल में उस सांप की कैचुली मिलती है, जिससे वो समझ गए थे कि यहाँ उनका टारगेट एक साधारण सांप नहीं है। यहाँ वो चारों अलग होकर उस सांप को ढूंढने में लग जाते। रोनाल्ड नाम के एक शिकारी को वो सांप मिलता है। इतने बड़े सांप को देखकर रोनाल्ड भी हैरान था। दरअसल उस सांप ने बेन के डैड एलन को पूरा निगल लिया था और उन्हें निगलने के बाद वो सांप जंगल में सुस्त होकर पड़ा था। सांप को इस हाल में देखकर रोनाल्ड को लगता कि शायद यह सांप मर चुका है। इससे खुश होकर वो अपने शिकारी साथियों को वहां आने के लिए कहता है, पर जैसे ही रोनाल्ड मुड़कर देखता है तो वो सांप ठीक उसके पीछे खड़ा था और रोनाल्ड कुछ सोच सके उससे पहले सांप उसे भी डस लेता है। उसकी चीख भी बाकी शिकारियों को सुनाई देती है। वो सब रोनाल्ड के पास आते। रोनाल्ड डर के मारे तड़प रहा था और जहर उसके शहर में फैल चुका था, जिससे रोनाल्ड भी मारा जाता है। यह देखकर उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है। वो तय करते हैं कि वो तीनों उस सांप को मारकर रोनाल्ड की मौत का बदला लेंगे। अब दूसरा शिकारी माइक जंगल में उस सांप को ढूंढ लेता है। वो उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी ठेस लगने से वो नीचे गिर जाता है। अब माइक उस सांप पर गोली चला सके उससे पहले वो सांप उस पर हमला करता है। माइक के साथ ही रिचर्ड को उसकी चीख सुनाई देती है, तो वो भागता हुआ माइक की ओर आगे बढ़ता है, पर सांप रिचर्ड को भी काट लेता है। चौथा शिकारी रसल भी वहां पर आ जाता है, पर माइक और रिचर्ड का यह हाल देखकर वो डर गया था। उसके पास गन थी, पर फिर भी उस खतरनाक सांप को देखकर वो निशान नहीं लगा पाता। यहाँ सांप ने रिचर्ड को भी मार डाला था। माइक और रिचर्ड को मारने के बाद वो सांप अब रसल की ओर आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर उसी जंगल में उस सांप को मारने के लिए निक, बेन, इरविन और एना भी आ गए थे। निक उन्हें कहता है कि हमें उस सांप को मारने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक प्लान बनाकर ही हम उसे खत्म कर पाएंगे। अब बेन और निक जंगल में उस सांप के निशान ढूंढने निकलते। यहाँ उन्हें रिचर्ड मिलता है। वो काफी घबराया हुआ था। रिचर्ड उन्हें कहता है कि मैंने उस सांप को देखा और उसने मेरे तीनों साथियों को मार डाला। जैसे तैसे मैं वहां से बच निकला। निक रिचर्ड से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, आगे हम संभाल लेंगे। दूसरी ओर ऑफिसर माइक और शेरिफ एडम को दिखाया गया है। वो भी उसी जंगल के करीब थे। उन्हें भी वो सांप वहां पर दिखाई देता है। उस सांप को देखकर मैक्स डर गया था। वो शेरिफ एडम से कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों उस सांप को नहीं रोक पाएंगे। पर एडम कहता है कि हम यहाँ से चले गए तो वो सांप हमें फिर से नहीं मिलेगा और हमारे पास गन से तो अच्छा यही रहेगा कि हम ही उसे खत्म कर दे। वो दोनों कार में थे। थोड़ी देर बाद वो सांप भी उन्हें वहां पर नहीं दिखाई देता, पर यहाँ अचानक से वो सांप कार की विंडशील्ड तोड़कर मैक्स पर हमला करता है। उस दौरान एडम की गन भी नीचे गिर जाती है। सांप ने मैक्स को मार डाला था, वही वो एडम पर भी हमला करता है। वेल, यहाँ वो दोनों मर चुके थे। एना भी मैक्स और एडम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उनसे बात नहीं हो पाती।
यह ऐना भी उनके लिए वरीद थी, पर बेन ऐना से कहता है कि शायद वो दोनों किसी काम में फंस गए होंगे। अब यहाँ निक ने उस सांप को मारने के लिए एक खास ट्रैप तैयार किया था। उन्होंने एक बकरी को चारा बनाकर रखा था, जिससे वो सांप बकरी का शिकार करके उसे निगलकर सुस्त हो जाएगा। वो सब इसके बाद सांप को एक आयरन पाइप के ट्रैप में फंसाने वाले थे। उस पाइप में उन्होंने जहरीली गैस के सिलेंडर लगाए हुए थे, जिससे जब सांप उस पाइप में आ जाए तब वो उस जहरीली गैस को उस पाइप में छोड़कर उस सांप को आसानी से मार सके। निक के पास एक टीपर बॉक्स था जो जमीन के अंदर एक जबरदस्त साउंड फ्रीक्वेंसी छोड़ता था, जिसकी आवाज सुनकर वो सांप यहाँ पर आ जाएगा। और अगर किसी वजह से उनका प्लान कामयाब ना हो सके तो निक उस सांप को अपने तरीके से पकड़ने वाला था। उसमें रिस्क था, पर यह लास्ट ऑप्शन था। अब वो चारों एक कटे हुए पेड़ के पीछे छिप कर उस सांप का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर वहाँ वेट करने के बाद उन्हें हलचल महसूस होती है। वो सांप बकरी की ओर आगे बढ़ रहा था। निक सबसे कहता है कि अब सावधान रहना, क्योंकि अगर सांप ने हमें देख लिया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। सांप ठीक बकरी के सामने खड़ा था। वही इतने बड़े और खतरनाक सांप को देखकर ऐना और बेन भी हैरान थे। सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर डॉक्टर इरविन उस सांप को जल्द ही खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी गन से उस सांप पर निशाना लगाया हुआ था। निक इरविन से कहते हैं कि कोई जल्दबाजी मत करो, अगर निशान चूक गए तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पर इरविन ने तय कर लिया था कि वो सांप को मार देगा। आखिर यहाँ इरविन उस सांप पर गोली चलाता है, पर वो निशान चूक जाता है, जिससे वो सांप वहाँ से चला जाता है। इससे निक इरविन पर गुस्सा करता है, क्योंकि इरविन की बेवकूफी की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया था। अब वो चारों फिर से उस सांप को ढूंढने में लग जाते हैं। निक के पास एक कपलिंग थी, जिससे वो उस सांप को पकड़े रखेगा और बाकी लोग सही निशाना लगाकर उस सांप को मार देंगे। यह एक पागलपन था, पर उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। पर सांप चालाक था, वो इरविन पर हमला करता है। उसने इरविन को डस लिया था। निक बेन और ऐना को इरविन के पास रुकने के लिए कहता है और वो उस सांप के पीछे भागता है। बेन के पास एंटीवेनम इंजेक्शन था, जिससे इरविन ठीक हो जाएगा। वही वो सांप भी निक के सामने आ गया था। निक भी उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सांप उसे भी काट लेता है। पर फिर भी निक खड़ा होकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। निक सांप को कपलिंग में फंसा देता है, पर सांप बहुत ही ताकतवर था। निक अकेला उस सांप को रोक नहीं सकता था। यहाँ सांप फिर से निक को काट लेता है और बैक टू बैक निक पर हमला करता है। आखिर जहर की असर से निक को सब धुंधला दिखाई देने लगता है। अब उसका भी बच पाना नामुमकिन था। आखिर निक भी वहाँ पर मारा जाता है। दूसरी ओर बेन ने इरविन को सभी जरूरी दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर सांप के जहर से बचा लिया था। अब इरविन खतरे से बाहर था। वही ऐना भी उस सांप पर गोलियां चला रही थी, पर उसकी भी गोलियां खत्म हो चुकी थी और सांप उस पर भी हमला करने वाला था। पर राइट टाइम पर वहां पर बेन आ जाता है। बेन सांप पर हमला करता है। वो ऐना से कहता है कि मैं सांप को अपने पीछे उस आयरन पाइप में ले जाता हूँ, जैसे ही मैं दूसरी ओर से बाहर आ जाऊँ तुम पाइप लॉक कर देना। आखिर बेन उस पाइप में आ गया था, वो सांप भी उसके पीछे था। बेन पाइप से बाहर आ जाता है और वो दोनों मिलकर पाइप को बाहर से लॉक कर देते। वो सांप अब उस आयरन पाइप में फंस गया था। बेन और ऐना उस पाइप को एक बड़े पेड़ की ओर धकेलते, जिससे सांप दूसरी ओर से बाहर ना निकल पाए। बेन ने उस ट्रैप को पीछे से सख्ती से पकड़ रखा था। वही ऐना भी ट्रैप पर लगाए गए सिलेंडर से जहरीली गैस उस आयरन ट्रैप में रिलीज करती है। आखिर उस जहर की असर से वो सांप छटपटाने लगता है। वो अपने नुकीले दांतों से ट्रैप को चीरने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो खतरनाक सांप उस ट्रैप में ही मारा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ऐना बेन और डॉक्टर इरविन को खाया गए। वो तीनों तो बच गए थे, पर उन्हें निक की मौत का अफसोस था। वही बेन भी ऐना से कहता है कि अब वो भी न्यूयॉर्क नहीं जाएगा, वो यहाँ ऐना के साथ ही रहना चाहता है। और यहीं पर किंग कोबरा मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 1999 में रिलीज हुई किंग कोबरा मूवी को IMDB पर 4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 26% एंड ऑडियंस स्कोर 29% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।